है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जब मॉर्निंग की शुरुआत होना और कुछ इस तरीके से हो, मतलब हल्की हल्की बारिश, मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उठते के साथ आप फ्रेश भी हो जाओगे और एनर्जेटिक भी हो जाओगे। तो जब भी इस तरीके का मौसम होना तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ही लो, चाहे वो काम करते ही क्यों ना या फिर फ्रेशअप होते ही क्यों ना। जैसे मैं ब्रश करते करते बालकनी में इस मौसम का लुत्फ उठा रही हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ी देर बैठे रहूं। तो बैठ तो सकती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं, तो फटाफट अभी मुझे लंच में लगना है उनकी तैयारी करने, तो क्यों ना ब्रश करते करते मौसम का मजा ले लिया जाए। तो फ्रेश अप होकर आ गई थी किचन क्योंकि बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता और लंच रेडी करना है। और लगभग जब बच्चों के स्कूल रहते हैं तो जो सुबह हमारे घर के काम की शुरुआत होती है किचन से ही होती है। तो चलिए फटाफट बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता रेडी किया जाए। तो नाश्ता मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्जी। तो चना मैंने रात में ही भिंगो के रख दिया था और आलू बस कट करना था। वैसे जब भी चना या आलू की सब्जी बनाती हूँ बॉईल करके बनाती हूँ, बट आज ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि सब दोनों का टेस्ट ना अलग अलग होता है। आलू चना बॉईल करके आप बनाओगे ना, उसका टेस्ट अलग होता है, और इस तरीके से आप बनाओगे तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। तो सब्जी बनाने से पहले यहाँ थोड़े बहुत बर्तन हैं, उसे भी मैं हटा लेती हूँ जो रात में मैंने धोए थे और सूख गए हैं, तो उन्हें फटाफट उनकी जगह में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि सिंक के सामने अगर बर्तन पड़े हुए रहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और किचन अगर आपकी इस तरीके से होना, छोटी सी काउंटर टॉप आपका छोटा हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को समय समय पर व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है। तब जाकर किचन में आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा और काउंटर टॉप पर आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो जो सूखे हुए बर्तन थे उन्हें उनकी जगह में रख दिया है और जो थोड़े बहुत भींगे हुए थे उन्हें छोड़ दिया है। तो चलिए आलू चना की सब्जी भी मैंने यहाँ बैठा दी है, और इधर तब तक चलती हूँ प्रीत को उठा लेने क्योंकि जब तक मैं 2-3 बार राउंड नहीं लगाऊंगी वो उठने वाला है नहीं। तो मैं आ गई थी उसे उठाने ताकि उठ जाओ, क्योंकि जल्दी आप 1 घंटा पहले नहीं उठाओगे ना तो बहुत टाइम लगा था। ये थोड़ा सा लेजी और स्लो भी है, बहुत धीरे धीरे सब चीज़ करता है, तो इसलिए मैं इसे उठाने आ गई थी। और खिड़की भी मैंने इसलिए खोल दिया कि थोड़ा सा लाइट आएगा तो शायद उठ जाए। और उसके बाद फिर अगेन मैं आ गई थी किचन में क्योंकि जो मैंने आलू चना की सब्ज़ी बैठाया था उसे अच्छे से फ्राई भी करना था, तो मसाले मैंने डाल दिए थे, बस उसे अच्छे से फ्राई करना था। तो अच्छे से फ्राई करके मैंने पानी फटाफट डाल दिया है और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा नमक और बस ढक्कन लगा देंगे और सब्जी हो जाएगी मेरी रेडी। तो चलिए सब्जी भी बन गई थी और अब इधर बनानी है पूड़ियाँ बस, क्योंकि बच्चे ना सुबह रोटी खा के जाना पसंद नहीं करते हैं। या तो आप पराठा बना के दे दो या तो फिर पूड़ियाँ तल के दे दो, तो ये 2 चीज़ें ही खाना भी पसंद करते हैं, वो लंच में ले जाना भी, अगर वो रोटी सब्जी लेके जा रहे हो तो प्लेन रोटी बिल्कुल भी नहीं। तो अगर जब स्कूल बच्चे जाते हैं या फिर लेके जाएं या खा के जाएं तो आप वही चीज़ दोगे जो उन्हें खाना पसंद हो और अच्छे से खा के जाए, हेल्दी भी हो और एटलीस्ट वो अच्छे से खा के भी जाए। तो इसीलिए आज मैं पूड़ियाँ ही बना दे रही हूँ ताकि तुम खा भी लो अच्छे से और उसके बाद लंच में लेके भी जाना। तो सब कुछ मैंने कर दिया था और प्रीत को लगा दिया था मैंने नाश्ता, लंच भी उसका पैक कर दिया था, वो नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाएगा। तो मैं इधर आ गई थी दूसरे काम करने के लिए। तो एक्चुअली मैंने रात में कल कपड़े धोए थे और बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि कपड़े डालने भी हैं, तो वो मशीन में वैसे ही पड़े हुए थे। तो अभी फटाफट कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि मौसम की ऐसी हालत हो रखी है ना, कभी बारिश कभी धूप, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कपड़े आपके सूखे जाने हैं, नहीं तो धूप अच्छे खासे रहने से कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। तो इसलिए फटाफट मैं सुबह सुबह ही कपड़े सुखा दे रही हूँ, एटलीस्ट जब तक थोड़ी बहुत धूप रहेगी थोड़े बहुत तो कपड़े सूख ही जाएँ, क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने के लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है। तो कोई नहीं, चलिए कपड़े मैंने सुखा दिए थे और उसके बाद आ गई थी किचन क्योंकि किचन पूरा समेटना था, क्योंकि सुबह सुबह किचन की हालत लगभग सभी घरों में ऐसे ही रहती होगी, इससे बदतर भी रहती है, इससे थोड़ी बहुत अच्छी भी रहती है, लेकिन रहती जरूर है थोड़ी बहुत बिखरी हुई किचन सभी की, क्योंकि सभी के घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो सुबह सुबह भागदौड़ तो सभी के यहाँ रहती है। तो काम अभी अगेन फिर स्टार्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ क्योंकि सुबह उठते के साथ ना हमें काम में लगना रहता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि बिल्कुल 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती कि आप चैन से बैठ पाओ, बच्चों को स्कूल भेज लो निश्चिंत से, उसके बाद भले आप चाय पीने पानी करो, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो चाय फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी क्योंकि अगेन अभी काम स्टार्ट करने है। तो काम स्टार्ट करने की शुरुआत वहीं से करो ना जहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अपने प्लांट के पास ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर इस वक्त जब उनमें फूल निकल आए हों, सच में बहुत प्यारा लग रहा है, देख के ही अलग से खुशी मिल रही है और अलग से एनर्जी आ गई है काम करने को लेकर। तो चलिए काम अगेन स्टार्ट करते हैं। बात करूंगी अपने बेडरूम से क्योंकि उठते के साथ ना सबसे पहले अपने बेड बनाना चाहिए सभी को, ये एकदम सिंपल सी छोटी सी बात है, सभी को लगभग पता भी होगा, सब करते भी होंगे, बट क्या होता है ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह इतनी भागम दौड़ रहती है कि आप उस वक्त बेड बना ही नहीं पाते हो। तो जब बच्चे उच्चे सब निकल जाते हैं, हस्बैंड निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आप निश्चिंत से
एक एक करके स्टार्ट करते हो काम करना, तो सबसे पहला काम स्टार्ट होता है बेड बनाने से। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे बेडरूम की खूबसूरती होती है ना, वो बेड से ही होती है। बेड आपने कितना भी अच्छा ला के क्यों ना रखा हो, लगा के क्यों ना रखा हो, और आपके बेड की जो चादरें हैं वो बिखरी हुई हैं, तकियाँ इधर उधर फैले हुए हैं, कुछ अच्छे से नहीं है, तो फिर आपका रूम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बेड कितना अच्छा क्यों ना हो, छोटी सी मिस्टेक आपके रूम का लुक बिगाड़ने में टाइम नहीं लगाती है। यूँ आपका रूम मैसी सा लगने लगता है। और जैसे ही आप अपने बेड को ठीक कर देते हो, व्यवस्थित कर देते हो, आपके बेडरूम में चार चांद लग जाता है। और समय समय पर जो बेडशीट है ना, जो चादर है ना, उसे भी चेंज कर लिया करें। जैसे मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ, बहुत गंदी हो रखी थी बेडशीट, तो उसे मैंने हटा दिया है और यहाँ बिछानी है मुझे दूसरी बेडशीट। लेकिन उससे पहले पूरे घर को क्लीन कर लूँगी और जब निश्चिंत हो जाऊँगी तब बेडशीट यहाँ की चेंज करूँगी। जब आप बेडशीट बिछा लो या फिर आपको चेंज करना है उसे उठा लो, उसके बाद जो आपके कारपेट या रनर होते हैं ना उसे ज़रूर झाड़ लेना। क्योंकि ये देखो, ये जो आप फ्लोर पे गंदा देख रहे हो ना, ये मेरे कारपेट जो रनर बेड साइड रनर है वहीं से निकला हुआ है, ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, आप वैक्यूम कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, उससे सारे गंदे जो भी डस्ट है वो तो निकल ही जाते हैं। बट अगर आप वैक्यूम नहीं कर रहे हो तो ऐसे आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि जो आपने बेड साइड रनर बिछा के रखा है उसमें गंदा हो रखा है। एक बार आप झाड़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि कितना गंदा हो रखा रहता है। तो जब आपका बेड बन गया, बेड रनर आपने झाड़ लिया, उसके बाद एक बार चेक रूम में ज़रूर कर लीजिएगा कि कुछ वैसे सामान बेडरूम में पड़ी हुई तो नहीं है जिनका यहाँ ज़रूरत ही नहीं है और वह फालतू की यहाँ पड़ी हुई हैं। तो अगर वैसे कुछ सामान है, वैसे कुछ चीज़ बेडरूम में पड़ी हुई हैं, तो साफ़ करने के दौरान उन चीज़ों को भी वहाँ से हटा के उनकी जगह पर रख देना। तो चलिए, मेरे रूम को तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद आ गई थी बच्चों के रूम में, और यहाँ की बेडशीट भी मुझे हटानी है। सबसे ज़्यादा गंदी तो बच्चों के बेडरूम की ही बेडशीट होती है, क्योंकि वो हालत ख़राब करके रखते हैं पूरे बेड की बेडशीट की, तो इसे भी मुझे हटानी है। मेरे बेडरूम की बेडशीट भले मैं वीक में एक दिन धोऊं, बट यहाँ की बेडशीट मुझे वीक में दो बार धोनी ही होती है, इतनी ज़्यादा हालत यहाँ की ख़राब रहती है। तो बेडशीट मैंने हटा दिया है, इसे डालूंगी वॉश करने और यहाँ की भी बेडशीट लगाऊंगी निश्चिंत होने के बाद। क्योंकि सच में अभी जब तक पूरे घर को साफ कर नहीं ना, चैन नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए अभी बेडशीट नहीं डालूंगी, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लूंगी तभी बेडशीट लगाऊंगी। और थोड़े बहुत जो स्टडी टेबल में सामान बिखरे हुए रहते हैं, बुक कॉपी किताब, उसे ठीक कर देती हूँ। ये डेली का है, जब भी रूम में एंटर होंगी एक एक हिस्सा एक एक कोना देखना ही देखना है कि व्यवस्थित है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो रखा है तो ट्राई यही करती हूँ कि उसे उसी वक्त ठीक कर दूँ। तो वही प्रोसेस में लगी हुई हूँ और आप भी शायद यही करते होंगे, क्योंकि लगभग सबका तरीका एक ही होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपने घर की साफ़ सफाई तो सभी करते हैं, तो ये कहने की बात तो है नहीं। हाँ, किन्हीं किन्हीं को मेरी ये बातें प्रवचन जरूर लग रही होगी। जी हाँ, कल ही किन्हीं का मैसेज आया था, नाम भी मैं बता दे रही हूँ, शिवानी गुप्ता शॉर्ट्स ऐसे करके उनका नाम है। उन्हें मेरी बातें बहुत बोरिंग प्रवचन सी लगती है, तो मैं क्या करूँ। मैंने जो लाइफ में सीखा है अपने इतने टाइम में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। फालतू बातों के लिए सही मैं किन्हीं के पास टाइम नहीं रहता, ना मेरे पास टाइम है ना आप लोगों के पास टाइम होगा। तो शिवानी जी, अगर आपको ये बकवास लग रहा है, प्रवचन लग रहा है, तो कोई नहीं, क्योंकि सच में मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं कॉन्टेंट के लिए कुछ भी डाल दूँ अपने वीडियो में, कुछ भी आप लोगों को बोलूँ और कुछ भी दिखाऊँ। मैंने जो अपने लाइफ में सीखा है और जो मैं करती हूँ या जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वही दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे सच में नहीं पसंद है आलतू फालतू चीज़ें वीडियो में दिखाना और फालतू के बकवास करना। कोई नहीं, लेकिन मैं इसमें आपको गलत भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। आप अगर ऐसा सोचते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो चलिए, ये सब तो हो गया और ये सब होते ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हो तो अच्छे बुरे दोनों तरह के कमेंट आते हैं और आपको दोनों को लेकर चलना होगा। तो कोई नहीं, चलिए वो हो गया। और साथ ही साथ जो मेरे डाइनिंग रूम में जो सोफ़ा है वो मैंने क्लीन कर लिया था, साथ में बगल में जो मैंने फ्लावर रखे हैं एज ए डेकोर, उसे भी मैंने क्लीन कर लिया था। क्योंकि ना, जो इस तरीके के फ्लावर आप जब रखते हो ना, तो ध्यान देना डस्ट बहुत ज़्यादा बैठते हैं। धीरे धीरे जो आपको फ्लावर है ना, जो एकदम फ्रेश लगते हैं, वो धीरे धीरे एकदम डल होते जाते हैं और डस्ट उसमें पूरी तरीके से बैठ चुके होते हैं। तो बीच बीच में ना उनको क्लीन जरूर कर लेना, क्योंकि जब हम घर में आर्टिफिशियल फ्लावर या प्लांट लेकर आते हैं ना, तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि अपने घर को और ज़्यादा खूबसूरत हम कैसे बनाएं, और ये कमी ये आर्टिफिशियल फ्लावर और प्लांट पूरी कर देते हैं। तो थोड़ा सा बस इन्हें मेंटेनेंस चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में इनकी साफ़ सफाई कर दो और ये आपके घर में चार चांद लगा देने वाले हैं।
ओके, उसके बाद ये जो आप फैन देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, ये बहुत गंदा हो चुका है और आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, काला काला हो चुका है चारों तरफ से। और इसे मुझे क्लीन करना था, बट इसे क्लीन करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक तो सीलिंग मेरी इतनी हाइट में है और मेरे पास वैसा कोई सुविधा नहीं है कि मैं उसमें खड़े होकर फ़ैन साफ़ कर सकूँ, तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाना पड़ता है। टेबल लाओ, उसके बाद उस पर चेयर रखो, उसके बाद जाकर आप उसे क्लीन कर सकते हो। तो ये मेरे लिए ना एकदम बहुत ज़्यादा कठिन लगता है साफ़ करना। ये रहते हैं तो इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो ये बहुत आराम से कर लेते हैं, बट मुझे काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है, बट करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ये निकल चुके हैं अपने काम में। तो मोस्टली जो हॉल वाले फ़ैन हैं मैं इन्हीं से साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि सच में इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आपके आँख के सामने अगर इस तरीके की चीज़ें कुछ हो जो गंदी पड़ी रखी हो तो आप शांति से नहीं बैठ सकते हो, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसे क्लीन करना ही है आपको। तो बस मैंने भी अपने तरीके से जुगाड़ लगाकर फ़ैन क्लीन करना शुरू कर दिया था। और फ़ैन क्लीन करने के लिए मैं पिलो कवर का यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से इससे क्लीन होता है। और प्लस पॉइंट क्या होता है ना कि गंदगी जो भी है, जो भी डस्ट है पंखा में, वो नीचे नहीं गिरते, वो सारे पिलो कवर में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से पंखा भी क्लीन हो जाता है और गंदगी भी नीचे फ्लोर पर नहीं गिरती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये पिलो कवर, इसी से मैंने अभी फ़ैन साफ किया है, तो जितनी भी धूल गंदगी पंखे में थी वो सारे पिलो कवर में आ गई है। ये देख लो कितना ज़्यादा पिलो कवर गंदा हो रखा है। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि जब भी आप फ़ैन साफ़ करना हो, अगर आप इस तरीके से पिलो कवर से करते हो ना, तो जो भी गंदगी है, जो भी धूल मिट्टी है, वो सारे पिलो कवर के अंदर आ जाते हैं, ना कि नीचे ज़मीन पर गिरते हैं। तो चलिए ये तो हो गया, और इसे अभी मुझे देना है वॉश करने, तो इसे मैं रखती हूँ साइड में। और एक बार मैं आप लोगों को फ़ैन दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा से चमक उठा है। ये देख लो आप, जो फ़ैन अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, ब्लैकनेस पूरे उसमें हो चुके थे धूल और गंदगी की वजह से, वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। और इसी के बगल में जो सेकंड फ़ैन है वो मैं आप लोगों को अगेन दिखा देती हूँ, तो इसकी भी हालत देखिए, जैसे पहले वाले फ़ैन की हालत थी सेम इसकी हालत भी वैसे ही है, तो इसे भी मुझे अभी क्लीन करना है। तो ये डिफरेंसेस होती है, साफ़ सुंदर चीज़ें देख के मन को बहुत सुकून मिलता है, और इस तरीके से गंदी चीज़ों को देखकर टेंशन से हो जाती है कि इसे अब कैसे साफ़ करूं, इसीलिए हम दिन भर लगे रहते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा करने में। तो सब हो गया था, बस अब घर में क्लीनिंग डस्टिंग करनी बाकी थी, लेकिन उससे पहले जो कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, जो कपड़े सूख चुके थे उन्हें फ़ोल्ड भी करना था, थोड़े बहुत कपड़े थे वो सूख चुके थे तो उन्हें फटाफट मैंने फ़ोल्ड कर लिया। और समय समय पे ना, जब भी आप कपड़े फ़ोल्ड करके उन्हें रखें ना अपने कबर्ड में, वार्डरोब में, कहीं भी, तो एक बार उस कबर्ड को भी व्यवस्थित ज़रूर कर दें, क्योंकि कई बार होता है ना कि डेली वहाँ से आप कपड़े निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो कई बार कपड़े इधर उधर अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो जब भी आप कपड़े अगेन अपने कबर्ड में, वार्डरोब में तरीके से रखो ना, व्यवस्थित करके रखो ना, तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि सब चीज़ें सही से हैं कि नहीं है। जैसे मेरा ये जो कबर्ड है, यहाँ मैं डेली यूज के ही कपड़े रखती हूँ, सभी के, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, तो कई बार बच्चे या हस्बैंड तौलिया कपड़े ऐसे निकालने के चक्कर में ना कुछ कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो वो एक बार मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि सब कुछ अच्छे से है कि नहीं है। देखिए ये चीज़ें अंदर छुपी हुई हैं, किन्हीं को दिखेगी नहीं, सिर्फ आपको पता है कि अंदर कैसे क्या रखा हुआ है, लेकिन यही तो एक छोटी सी चीज़ होती है। जब हम घर साफ करते हैं ना, जब चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं ना, तो अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने घर को कैसे रखा है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि आप जब घर की साफ़ सफाई कर रहे हो, तो वो बाहर से तो आप क्लीन कर ही रहे हो, बाहर से तो अपने घर को आप साफ सुंदर बना ही रहे हो, अंदर से भी आपने अपने घर को उतना ही साफ सुंदर बना के रखो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत मायने रखती है लाइफ में। बहुत बार होता है, बहुत किन्हीं के घर में भी देखा है कि अच्छा खासा उन्होंने घर तो बना लिया है, बट घर पूरा अव्यवस्थित है, बाहर तो भले ही उन्होंने चमका लिया है, लेकिन जब आप वार्डरोब कबर्ड खोल के देखो ना, तो अंदर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो इसीलिए बाहर तो आप क्लीन रख ही रहे हो, चाहे आप खुद कर रहे हो या फिर हाउस हेल्पर आपने रखा हो, बट एक बार ना जितने भी कैबिनेट हो, कबर्ड हो, वार्डरोब हो, जो भी स्टोरेज रिलेटेड आपने फर्नीचर बना के रखे हो, उनकी क्लीनिंग भी एक बार ज़रूर कर लेना, अंदर एक बार ज़रूर झांक कर देख लेना कि अंदर सब चीज़ें सही से तरीके से है ना। ओके, तो चलिए बातों ही बातों में मैंने घर को झाड़ू भी कर लिया था, क्योंकि क्लीनिंग डस्टिंग हो गई थी, बस अब जो थोड़ा बहुत झाड़ू बचा था और मॉपिंग बची थी, तो वो मैं करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब तक आप झाड़ू ना करो ना, जो डस्ट धूल मिट्टी जो होते हैं ना प्रॉपर नहीं निकलते हैं, उसके बाद तो मॉपिंग तो करनी ही करनी है, क्योंकि जो थोड़े बहुत छूट जाते हैं कोनों कोनों में, वो मॉपिंग करो या फिर आप वैक्यूम करो, कोई भी तरीका आप यूज करो, ये दोनों तरीके से निकल जाते हैं। तो घर झाड़ू मैंने कर लिया था और बची हुई थी अब मॉपिंग, लेकिन उससे पहले किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे उसे मुझे क्लीन करना था,
कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक करके जो बर्तन पड़े हुए हैं उसे धो दूँ, एक ही बार ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉर्निंग के समय ना थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं जिससे सिंक बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो फिर जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर में हाउस हेल्पर आ रही हैं काम करने के लिए तब तो कोई नहीं कि चलो हाँ वो आ रही है तो वो धोएंगी, बट अगर आप खुद से कर रहे हो, सारे घर की जिम्मेदारी आपने खुद ले रखी हो, पूरे घर को आप खुद से व्यवस्थित कर रहे हो, क्लीनिंग भी कर रहे हो, सारे सामान को देख भी रहे हो, सब कुछ व्यवस्थित करके रख रहे हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि समय समय पर अगर सिंक में एक दो बर्तन पड़े हुए हैं ना साथ ही साथ धो डालो, इतनी टेंशन होने वाली ही नहीं है। क्योंकि सिंक में जब बर्तन भर जाते हैं ना तो समय भी ज़्यादा जाता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और इरिटेशन भी होता है कि अरे अभी इतने सारे बर्तन को मैं कैसे धोऊं। तो इसलिए बर्तन अगर एक दो ही होते हैं ना तो जितना जल्दी हो सके क्लीन कर दो उस बर्तन को, वेट मत करो कि सिंक पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद ही मैं बर्तन धोऊंगी, तो उसके बाद बर्तन जब धुल जाए तो साथ ही साथ जो सिंक वाला एरिया है उसे भी क्लीन कर दीजिएगा। तो फटाफट मेरे बर्तन धुल गए थे और जो सिंक वाला एरिया था उसे भी मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया है, तो सिंक भी क्लीन हो चुका है, बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं और अब बारी थी उस चीज़ को क्लीन करने की जिससे मैंने ये सारा चीज़ क्लीन किया। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन स्पंज उन स्क्रब की जिसकी हेल्प से मैंने अभी बर्तन क्लीन किए थे और समय समय पर हम करते भी हैं। बर्तन की बात करें तो दिन भर हम लगे रहते हैं और साथ ही साथ जो सिंक है, सिंक के अगल बगल के एरिया है सबको हम साफ़ करते हैं, तो उन स्पंज स्क्रब को साफ़ करने के लिए आपको बस गर्म का पानी करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा विनेगर डालिएगा और लिक्विड डिशवॉशर उसे अच्छे से स्पंज स्क्रब डाल के खौलाइएगा, और जब वो अच्छे से वो बॉयल हो जाए खौल जाए उसके बाद फिर उन्हें निकाल के नॉर्मल पानी से धो के उन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दीजिएगा, फिर अगेन उसे आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, जिससे आप बर्तनों की सफाई करते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन रहेंगे, और ख़ासकर बरसात के दिन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिससे आप बर्तन साफ़ सुथरा कर रहे हो उसकी भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बर्तन होते हैं ना वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, खाना हम उसी में खाते हैं, तो बर्तनों की साफ़ सफाई में हम पूरा ध्यान दे रहे हैं लेकिन जिस चीज़ से उसे साफ़ कर रहे हैं उसके भी बीच बीच में सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। और पहला नियम यही है कि जिस भी उपकरण से, जिस भी सामान से, जिस भी चीज़ों से आप घर को साफ़ कर रहे हैं ना उसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, तभी तो आपके घर भी साफ़ सुथरा होंगे। अगर वही गंदे रहेंगे तो फिर घर की साफ़ सफाई की तो बात छोड़ ही दो, तो समय समय पर उन सारी चीज़ों को भी साफ़ ज़रूर करना। जैसे मैंने अभी मॉपिंग किया है, उसके बाद जो मॉपिंग वाले जो भी बकेट हैं, जो भी मॉप है, उन सबको मैं क्लीन कर रही हूँ, डेली तो नहीं हाँ बट 15-15 दिन में ये चीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाइड रहो कि जिस भी चीज़ का हम यूज कर रहे हैं घर की साफ़ सफाई में वो हमारे ऑलरेडी क्लीन है, तो अब हमारा घर भी क्लीन अच्छे से होने वाला है। अब हमें डर नहीं है कि जिस चीज़ से हम साफ़ सफाई कर रहे हैं वो चीज़ ही हमारा गंदा हो रखा है तो घर कैसे साफ होगा, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना आपने स्टार्ट कर दिया ना तो जो मन में बार बार ये थिंकिंग नहीं आती है कि साफ़ सफाई करना बहुत बड़ा काम है वो आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो आपके साफ़ सफाई के प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं साफ़ सफाई में, अगर वो सही हो, वो अगर साफ़ सुथरी हो, तो फिर तो घर आपका साफ़ सुथरा होना ही होना है। और घर की साफ़ सफाई बिना तभी तक भारी लगती है जब तक आपको एक सही तरीका पता ना हो। हाँ, जब हम शुरुआत करते हैं तो बस हमारा मकसद ये रहता है कि घर सही ढंग से साफ हो जाए, तरीका चाहे सही हो गलत हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें डेली ये चीज़ करना है तो फिर हमें थोड़ा सा परफेक्ट तो बनना ही पड़ेगा। और जहाँ घर की बात आती है तो एक चीज़ तो सभी के दिमाग में ये ज़रूर रहती है कि कितनी जल्दी हो सके हम अपने घर के काम को ख़त्म करें, किस ट्रिक का, किस हैक का यूज करें जिससे घर के काम सही समय पर ख़त्म भी हो जाए और हमारे पास थोड़ा सा समय भी हो। तो घर के काम लगभग हो चुके थे, क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग सभी कुछ हो चुका था, बस जिससे मैंने मॉपिंग किया था उसकी क्लीनिंग बाकी थी, तो बकेट मैंने धो दिया था, बस जो मॉपिंग वाला जो पार्ट है उसकी क्लीनिंग करनी थी, तो उसकी क्लीनिंग मैं कर रही थी और अभी फटाफट मुझे शावर लेना है, शावर के बाद खाना बनाना है और भी छोटे मोटे काम है वो भी करने हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।